अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने मैथ जो कि नाइन्थ से रिलेटेड है उसका फर्स्ट लेक्चर लेके हाजिर हूँ। वो स्टूडेंट है जिन्होंने ये बुक जो है फर्स्ट चैप्टर से नहीं स्टार्ट की थी, जैसे ही ये सीजन स्टार्ट हुआ था कॉलेज में, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज होगा कि वो एक तो इनको स्टार्ट से समझ सकेंगे, और जिन्होंने ये पहले किया हुआ है उनके लिए एक गोल्डन चांस है कि वो इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्सरसाइज वाइज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, और उम्मीद ये है मैं कर सकता हूँ आपसे कि बाकी जो पार्ट्स होंगे ना सही, तो ये जो मैं करवा रहा हूँ ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। वैसे अगर आप कोशिश करके बाकी पार्ट्स करना चाह रहे हों तो वो भी सेम इसी मेथड से हो रहे होंगे जो कि इन क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, एक्सरसाइज 1.1 है वो सॉल्व किए हैं, उसको मैं समझा देता हूँ और उसके बाद फिर 1.2 से रिलेटेड जो क्वेश्चन वो समझाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 से, इसमें कहा यह गया है कि अगर आपके पास ये टू मैट्रिक्स अगर आपको दिए जा रहे हैं और वो इक्वल हैं, बिटवीन साइन इक्वल का लगा हुआ है जो बता रहा है कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं इक्वल हैं, तो यहाँ से फिर आपने ए बी सी डी ये जो 4 हमारे पास कॉन्सोनेंट हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम जो वर्क है वो कुछ इस तरह से करेंगे कि हम यहाँ कुछ स्टेटमेंट लिख देंगे कि फॉर वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी वी गेट इक्वेशंस फ्रॉम इक्वल मैट्रिक्स, मतलब ये दोनों जो इक्वल मैट्रिक्स हैं इनसे हम कुछ इक्वेशन बना लेते हैं, जैसा कि ये ए प्लस सी है तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो डिजिट आया हुआ है वो 0 है जो कि नेक्स्ट मैट्रिक्स में है। तो हम इन दोनों को इस इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन की वजह से इक्वल लिख देंगे, मतलब ए प्लस सी इक्वल टू 0 ये लिख के इक्वेशन 1 बना देंगे, और ए प्लस टू बी इक्वल टू -7 लिख देंगे, और सी -1 इक्वल टू 3 लिख देंगे, और 4d -6 इक्वल टू 2d ये हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4 में लिख देंगे। अब ये इक्वेशन मैंने बनाई है इनको सॉल्व या इनको सॉल्यूशन में इस तरह लेना है कि हमारे पास आसानी से जो है ना ये जो ए बी सी डी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स कह लें या कॉन्स्टेंट कह लें, इनकी वैल्यू जो है वो आ सके। तो उसका मेथड ये है कि मैंने सबसे पहले देखा ये कि सबसे जो मिनिमम जो कॉन्स्टेंट है वो इक्वेशन जो वो है जिस इक्वेशन में है वो है इक्वेशन 3, इसमें जस्ट ओनली सी एक कॉन्स्टेंट मौजूद है। तो सॉल्यूशन के लिए मेरे लिए आसानी होगी अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मैंने किया कैसे ही है कि फॉर वैल्यू ऑफ सी मैंने सी की वैल्यू के लिए इक्वेशन नंबर जो 3 है इसको फर्स्ट पे सोल्व कर लिया है। तो इक्वेशन 3 लिखी है और किया इस तरह कि जो -1 है इसको मैंने शिफ्ट कर दिया इस तरफ जो कि प्लस में हो जाएगा, फिर मान जो कि प्लस होकर 4 वैल्यू बनेगा जो कि वैल्यू सी की हो जाएगी, और ये आसानी से मैंने वैल्यू जो है वो सी की निकाल दी। अब इसी वैल्यू को निकालने के बाद नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4 है वो बता रही है कि इधर भी डी है और ये भी एक दोबारा से जो है ना इसी इक्वेशन में डी लिखा हुआ है, मतलब कहने का ये है कि इसमें भी ओनली 1 कॉन्सोनेंट है जो कि डी है। तो हम ऐसे करते हैं इसको ले रहे हैं और इससे हम डी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 4 मैंने लिखी और यहाँ पर मैंने इसको दोबारा से एड किया है, और यहाँ पर डी की वैल्यू के लिए 6 मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, 2d मैंने वापस उधर शिफ्ट कर दिया है, तो ये माइनस हो जाएंगे 4d में से 2d, तो 2d रह जाएंगे इक्वल टू 6 आ जाएगा, और जो 2 है ये मल्टीपल हो रहा है तो जो इधर आकर फिर डिवाइड हो जाएगा, और डिवीजन के बाद जो डी की वैल्यू वो 3 मिलती है। तो नेक्स्ट फिर ये है कि हम जब सी और डी की वैल्यू निकाल चुके तो अब जो बाकी ए और बी और की वैल्यूज के लिए हम जो इक्वेशन 1 और जो 2 है वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन 1 ली है ए प्लस सी इक्वल टू 0, और इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास सी की वैल्यू 4 होनी है वो मौजूद है, तो वो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा सी इक्वल टू 4, मतलब सी की बेस पे 4 आ गया और ए प्लस सी है तो 4 जब इधर शिफ्ट होगा तो -4 हो जाएगा, तो इस तरह मेरे पास ए की वैल्यू भी बन जाती है जो कि -4 है। अब यही वैल्यू मैं पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 2 में, ये जो मेरे पास इक्वेशन 2 है इसमें ए की वैल्यू -4 पुट करने से
जब मैं इसे शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये प्लस में हो जाएगी, तो माइनस से माइनस थ्री और बी की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू लिखी जाएगी। तो इस तरह मेरे पास बी की और ए और डी और सी ये जो फोर कॉन्स्टेंट थे जिनकी मुझे वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया था वो निकल आती है। तो आप इनको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और समझने के बाद फिर इसको आप अपने होमवर्क में इसको उतारना है। अब नेक्स्ट ये है कि जो एक्सरसाइज मेरे पास 1/2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, वो मैं अब आपको समझाने चला हूँ। इसमें हमें कहा गया कि नेगेटिव मैट्रिक्स बनाएं। तो अगर आपने बुक से थोड़ा बहुत रिसर्च किया होगा तो नेगेटिव मैट्रिक्स की डेफिनेशन है वो हमें बता रही होती है कि अगर वी चेंज द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। सो यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ए है, तो अब इसके नेगेटिव मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे साइन चेंज करने होंगे सारे एंट्रीज के, जिसके लिए भी मैं ए के साथ माइनस ए लिख रहा हूँ और माइनस का लगा के ये मैट्रिक्स वैसे उतार लिया है। फिर इस माइनस को मैंने मल्टीपल कर दिया सबके साथ, जिससे हुआ ये कि जो प्लस का 1 है वो माइनस में हो जाएगा, 0 के साथ क्योंकि साइन नहीं होता तो ये 0 वैसे ही रह जाएगा, और ये जो माइनस है इसे माइनस से मल्टीपल होकर माइनस माइनस प्लस लिखा जाएगा, जो कि इसका सोल्यूशन होगा और ये नेगेटिव मैट्रिक्स का होगा, ये उसका शॉर्ट सर्किट सोल्यूशन है। तो ऐसे एक और मैंने पार्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 4 से जिसका नाम मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसको भी मैं अगर नेगेटिव मैट्रिक्स में चेंज करूँगा तो सेम जो मैंने यहाँ पर बताई थी वैसी होगी कि बी माइनस माइनस भी लिखा जाएगा और यहाँ पर माइनस डाल के मैट्रिक्स लिखा जाएगा, और अभी जितने भी डिजिट्स हैं सबके साइन आप चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, और प्लस तो माइनस लिख देंगे, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये नेगेटिव मैट्रिक्स होगा ऑफ गिवन मैट्रिक्स का। तो इससे रिलेटेड बाकी जितने भी इस क्वेश्चन में पार्ट्स हैं उनके नेगेटिव मैट्रिक्स आपने खुद फाइंड करने हैं, जैसे कि ये मैंने किए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है जो कि एक्सरसाइज 1.2 से है। इसमें